रायबरेली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शक्ति फेज 4.0 के अंतर्गत हक की बात जिलाधिकारी के साथ की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन में हुई। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने दीप जलाकर और मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित करके की। बैठक में महिलाओं और बच्चियों ने अपनी समस्याएं बताई और कुछ महिलाओं एवं बच्चियों ने अपने जीवन के कटु अनुभवों को बैठक में साझा किया, जिन्हें सुनकर बैठक में उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि महिलाओं और बच्चियों से संबंधित हिंसा को गंभीरता से लिया जाए और इस प्रकार के मामलों में त्वरित कार्यवाही की जाए। देखिए, शासन की जो शीर्ष प्राथमिकता है उस पे वर्तमान में महिलाओं के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके संबंध में कार्रवाई किया जाना है। आज जो हमने यहाँ पर शक्ति संवाद और हक की बात किया है, ये बाल विकास और महिला कल्याण विभाग साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर के अंतर्गत और प्रोबेशन विभाग के अंतर्गत किया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो हमारी महिलाएं हैं, जिसमें कि अपराध पीड़ित महिलाएं हैं, साथ ही साथ जो हमारी लाभार्थी महिलाएं हैं जिसमें बाल सेवा योजना से संबंधित लोगों को फ़ायदा मिला है या हमारे कौशल विकास का हो गया, स्वयं सहायता समूह से संबंधित महिलाएँ हैं जिनको विभिन्न स्तरों पर किसी तरह की मदद चाहिए या उन्होंने लाभार्थी बनने के बाद अपना जो एक्सपीरियंस शेयरिंग किया है उस संबंध में आज यहाँ पर हम लोगों ने वार्ता की थी। सभी लोगों से उनकी जो उन्हें आवश्यकताएं हैं उनको पूछा गया और इसमें बहुत अच्छी बात ये भी रही कि जनपद स्तर पे इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी प्रतिवाद किया गया और अपराध से संबंधित जो बातें थी उस पर सभी महिलाओं को बच्चियों को गाइड भी किया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।